मुस्लिम लीग नून उमल कवीन के जेर एहतमाम मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती और नए अहदेदारान के एजाज में इस्तकबालिया का इनेकाद। तकरीब में नून लीग यूके के सदर जुबैर गुल अमारात की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए लीगी अहदेदारान की शिरकत। मुकर्ररीन का कहना था मुस्लिम लीग नून को यूएई में फाल और मजबूत बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन काविश बरूए कार लाएंगे और पीटीआई हुकूमत ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ जो झूठे मुकदमात कायम किए हुए थे उनका डटकर मुकाबला करते हुए अपनी क़यादत के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून अमारात गुलाम मुस्तफ़ा मुगल और चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद मुगल का कहना था कि नून लीग अमारात को कवायद जवाबित के मुताबिक चला रहे हैं और तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून गल्फ नई तंजीम और अहदेदारान बनाने में मुदाखलत ना करें, इख्तलाफात के बावजूद सबको साथ लेकर चलने के ख्वाहां हैं। महलिया का मैं इंतहाई मशगूर और ममनून हूँ कि दो दोस्तों को मैंने टेलीफोन जब किया तो उन्होंने कहा मजीद साहब आप फिक्र नहीं करें, और जो उनका नारा था कि हर इदारा अपने अपने हदूद में रह के काम करे। ये बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया है, ठीक है, किसी ने ज्यादा किया होता है, किसी ने कम किया होता है, अपने हर काम में अपने अपने कायदीन अपनी पार्टी अपने मुल्क को साथ रखते हैं। जमील बुंदियाल साहब और मीडिया और प्रणाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों को खुश आमदेद कहते हैं। इनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि बस वोट लेकर घरों बैठ जाओ और बाद में जब मफाद होगा तो फिर सर्दियों में चले जाओ। बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर दिया। मैं एमरस ग्लोबल अल्मोनियम की इंजीनियरिंग विंग की तरफ से जो करना जरूरी समझूंगा। सबसे पहले मैं देर तमाम आने वाले अहदेदारान को वेलकम करता हूँ। किसी की बात की जाती है तो उसके पीछे उसका काम बोलता है। मैं समझता हूँ उमर कैन के सदर सरफराज मोहम्मद साहब और जनरल सेक्रेटरी कुरम साहब के साथ भेजा है। मुस्तफा मुगल मजीद मुगल इस मौके पर सरफराज मुगल उबैद तरोली हाजी मोहम्मद नवाज और फारूक बड़ाइज का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत करते हैं और उनके बयानिए के साथ खड़े हैं। इस्तकबालिया तकरीब मुल्क की सलामती तरक्की खुशहाली और मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर राव अकबर साकिब जमील बंग्याल सरदार आसिफ करीम राजा साकिब और जावेद मलिक भी मौजूद थे। अकरम न्यूज़ टाइम दुबई यूई इस वक्त मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूई के प्रेसिडेंट हैं। आज इनके एजाज़ में एक शाइये का इनकाद हुआ जो कि उमल कवीन के सदर जनाब सरफराज मुगल ने दिया। आइन से बात करते हैं, आज इनकी तकरीर जो थी वो शोला बयान थी और ये तमाम हाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त पैकेज था इनका, और इन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग और अपने कायद का बयानिया जो है वो बताया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि आज आपकी जो शोला बयानी थी वो मेरे दिल में भी घर कर गई है, तो मुझे आप ये बताएं कि आज जो अशाइया इसके बारे में बताएं, फिर मैं आपसे दूसरी चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछूंगा। जी, आज उमर क्वीन की बाडी सरफराज मुगल साहब ने अशाइया दिया और उनकी बाडी पूरी आज बनी है, और इससे पहले भी सरफराज मुगल साहब जनरल सेक्रेटरी थे उमर क्वीन के, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग के नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों की कमी नहीं है। वो करोड़ों अरबों के हिसाब से अगर 22 करोड़ अवाम है, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ सारे खड़े हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ की सियासत है वो मुझे लग रही है कि पाकिस्तान की सियासत को जो इस वक्त PDM के जो अजलास जलसे और बहुत सारी गर्मजोशी है ये उसका मुकाबला कर रही है। आप ज़रा प्लीज़ बताएं कि ये कब किस वक्त ये प्लेटफार्म पे एक पे खड़े होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम एक प्लेटफार्म पर हैं, 2-4-6 लोग, ये हमेशा होता है, चाहे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, कोई बंदा नाम नॉमिनेशन के लिए दिए या MNA के लिए दिए, उस टाइम भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये छोटी मोटी बातें, मैं समझता हूँ सारे हमारे साथी हैं, कोई भी हमारे साथ नाराज़ नहीं है, प्यार करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं और हमारे हमेशा ही उनके लिए दरवाजे खुले हैं। मुगल साहब, आपकी मुफामत का जो रास्ता है, जो सियासत का जो आपकी मुफामती सियासत का रास्ता है वो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन तलख आपके बारे में बयान जब आते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम किस मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें। मैं समझता हूँ कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
और इसहाक डार साहब ने जो फैसला किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं एक अदरा सा कारकुन हूँ, 20 साल से 15 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और 5 साल कैम काम सदर रहा हूँ। यूएई में जितने अहदेदार पुराने और नए मेरे हाथ के बने हुए हैं, हाथ से बूटे लगाए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुस्लिम किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ प्यार करते हैं, हमारे लिए सारे एक हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी आप अहदे दे रहे हैं, वो कालादम करार दिए जा रहे हैं। जी मैं सानुल्लाह बाजवा साहब हमारे गल्फ के सदर हैं, मैं समझता हूं कि उनको गल्फ की तंजीम के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और मेरे साथ बात करें, जब जब बात करें मैं हाज़िर हूं। और मैं समझता हूं कि हमारी अंदरूनी तंजीम के ऊपर कभी भी बाजवा साहब उसको इंटरफेरेंस ना करें। मेरे साथी हैं, मैं उनको मैं समझता हूं कि हमारे साथ बड़ा प्यार है, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन बाडी बनाने का हमें पूरा हक है और अपना हक हम अदा कर रहे हैं। आप अपना हक अदा कर रहे हैं। ओवरसीज़ की जो नून लीग की जो सियासत है, आपकी ज़ेरे क़यादत किस सिम चलेगी? मैं समझता हूं कि ओवरसीज़ के जो लोग हैं मेहनत कश लोग हैं और जी शहूर रखते हैं, ये पाकिस्तान की भेड़ चाल नहीं है कि हमारा ख़ानदान इधर ये ख़ानदान उधर चला गया ना। यहाँ पर हर बंदा रोज़ी कमाता है और कितनी मुश्किल से कमाता है। मैं समझता हूँ कि यूए के कानून को फॉलो करते हुए यहाँ किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा इंसार पसंदी ना हो। मैं समझता हूँ अमन अमन और अमन, रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हलाल कमाएं और अपने भी बच्चों को भेजें, बीवी बच्चों को भेजें। आखिर में पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं, इससे आप कितना मुत्तफ़िक हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है उसने किस तर्ज की करवट ली है? मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने दो जलसे में पाकिस्तान की तारीख का रुख बदल दिया और एक नया सूरज तुलू हो चुका है। अभी पाकिस्तान बनने से कोई बंदा रोक नहीं सकता, पाकिस्तान बन गया। थैंक यू सो मच मुगल साहब, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूई के चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल मजीद मुगल साहब हैं और इस वक्त जो ओवरसीज़ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है इसमें इनका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बहुत सारे मुंतशिर टाइप सिचुएशन आ रही हैं, ये उनको बहुत एहसन और बेहतर तरीके से हैंडल करना जानते हैं, ये इनका कहना। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाईक सलाम जनाब मोहसिन। सर सबसे पहले तो ऑन कैमरा आपके कज़न का बड़ा अफसोस हुआ है, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता करे, उनको अल्लाह ताला जो जिन्होंने किया है अल्लाह ताला उनको कुफ्र करदार से बचाए, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि वो जल्द अज जल्द वो अपने कोर्ट के कटहरे में आ जाएं, कोर्ट के कटहरे में आ जाएं। अभी एक चीज़ मुझे बताएं कि ओवरसीज़ की जो सियासत चल रही है जिसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा है गल्फ का और यूएई का, ये कब हल होगा? जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपने कहा है तनाज़ा है, मैं कहूँगा कोई तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा तब होता है जब कोई पावर शेयरिंग होती है, उनकी पावर अपनी है और यूए के सदर की पावर अपनी है। अगर कोई खाम खा अपना तनाज़ा बना के बैठा है तो अपनी जगह में, लेकिन मेरे हिसाब से कोई तनाज़ा नहीं है। जैसे कि आपने देखा है अगर तनाज़ा होता तो यहाँ कोई भी मुस्लिम लीग नून वाले बटे होते कोई ना आते। देखें जोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं आ रहे हैं। आपकी जो ओवरसीज़ की सियासत है मुस्लिम लीग नून की वो बेहतर लोगों में जा रही है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल चीज़ों को देखें तो वो आपके बिल्कुल एंटी है, बरक्स हैं। जी असल में क्या है, देखें अगर नून का कायद मोहतरम ने जो जो समझे कि पग रखी है एक सदर बनाया यूएई का, उसका नून का जो सदर है उसके आफज में जो बंदा अभी तक नहीं आया है कोई भी अहदेदार है तो वो क्या समझते हैं वो पीएमएल का हो सकता है? उसका हक बनता था दरवाज़ा जो है पीएमएल सदर का खड़काए, ना कि किसी दूसरे का जाके दरवाज़ा खड़काए, ना कि जाके किसी दूसरे का दरवाज़ा खटकरा। ये आप माशाल्लाह आज आपका बयान भी बड़ा सख्त था, आपने प्रूफ के साथ बात की है कि आए मेरे पास 100 सफात के डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पड़े हैं, आए मुझसे डिस्कस करें। तो अगर कल को कोई आ जाता है तो आप नरमी से एक तो आप मुफाहमत की बात करते हैं, दूसरी आप चैलेंज कर रहे हैं, तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? चैलेंज इस तरह करें कि हमने जो मशावती कमेटी 9 बंदे बैठे हैं उसकी जो हमने अप्रूवल ली है, अप्रूवल सदर और जनरल सेक्रेटरी ने दी है, वो ऑलरेडी वो अप्रूवल पहले दिन ही हमने इसहाक डार साहब को भी भेज दी था। उसी 9 रुकनी कमेटी ने जो फैसला किया है इसलिए हम उस फैसले को हमारे सदर
उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमारी जो सदन है उसके ऊपर आमीन किया है, आमीन किया है। ओवरसीज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त क्या सियासत देख रही है? देखें, ओवरसीज सियासत जो है पीएमएल एक ही है, वोट को इज्जत दो, बयानी के वोट इज्जत दो, इसी के ऊपर हमारा मोटो है, आपके सामने है, इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ अबैद तनोली हैं और डिप्टी सेक्रेटरी के प्रेस के जो है वो यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं, मीडिया को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ जनाब जमील बंग्याल साहब हैं, इनके लफ्ज़ों का इतना खूबसूरत गुलदस्ता बनता है कि पूरा एक जो है वो गुलस्तान बन जाता है। हमारे साथ राजा साहब भी हैं, आइन से बात करते हैं कि आज के अशाइये के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो तनोली साहब ये बताएं कि नून ने एक ज़बरदस्त करवट ली है और एक के बाद एक अशाइया, ये क्या सिस्टम चल रहा है, ये थोड़ा सा बताएं प्लीज़। देखें जी अंसर ग्राम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर प्रोग्राम में हम आपको इनवाइट करते हैं और आप दिल और जान के साथ आते हैं और हमेशा आपने पॉजिटिव मैसेज दिया। बात आपने की कि अशाइये की, अशाइया हम ये तब रखते हैं अपने कायद के साथ, ये बेपनाह लोग मोहब्बत करने वाले हैं और इनके इज़्ज़त में हम अशाइया रखते हैं और वो अपने कायद के साथ मोहब्बत का एक बयान देते हैं और इज़हार करते हैं कि हम अपने कायद के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर हमारे कायद को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम तन मन धन के साथ अपने कायद के साथ खड़े हैं, और के साथ खड़े हैं और होना भी चाहिए। तनोली साहब, आप लोगों की मेहनत है, अपना जमील बंग्याल साहब आपने बड़ा मुतहद रखा हुआ है ओवरसीज़ की जो नून लीग की सियासत है, आप ज़रा प्लीज़ बताएँ अपनी ख़ास राय दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, रबीउल अव्वल का महीना इस वजह से। तो मैं समझता हूँ जी कि जो हमने सियासत यूएई की है, हम तमाम तर जितने नाराज़ दोस्त हैं उनसे आज भी दिलो जान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ इस प्लेटफार्म पर और हमारे साथ चलें, वो हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है और बिलखसूस जो हमारे कायद हैं हम उनके बयानियों को लेकर चल रहे हैं। हमारे पास कोई अपना विजन नहीं है, हम जो कर रहे हैं मियां साहब का जो विजन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जिस जिसने हमारा साथ देना है हम उससे दरख्वास्त करते हैं, बल्कि मैं अपील करता हूँ अपने उन दोस्तों से कि वो हमारे साथ आएँ। और मुस्तफ़ा मुगल साहब जो सदर मुस्लिम लीग नून यूएई बने हैं, जिनके ऊपर इसहाक डार साहब ने, मेरे कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और जितनी भी आला क़यादत उन्होंने एतमाद किया है, उनके हाथ मजबूत करें और उनके साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को फाल करें, मिलके मुस्लिम लीग नून को फाल करें। जी राजा साहब, माशाल्लाह आप भी बड़े एक्टिव हो गए हैं इन दिनों में, लग रहा है कि जो यूथ है ना ये पूरा परफॉर्म करने जा रही है नून लीग की ओवरसीज़ की जो सियासत है, प्लीज़ आप बताएँ। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अंसर भाई, ये जो आपने जिक्र किया कि पे दर पे मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी और नए जोग दर जोग मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं और हम मुस्तफ़ा मुगल साहब जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूई पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और इसलिए कि उन्होंने उनको कायदे मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब ने नामजद किया है। हम मुगल साहब को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने कायद ने उनको नामजद किया है और हम हर कायद की हर बात पे लबैक कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ सरफराज मुगल हैं जो उमुल क्वीन के अभी जो है बक्सर मुस्लिम लीग नून की यूएई की क़्यादत में इन्होंने उमुल क्वीन की सदारत संभाली है और इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यूएई की सियासत चल रही है वो बिल्कुल यंग यूथ को ये क़्यादतें दे रहे हैं। आइन से बात करते हैं, आज इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूएई के प्रेसिडेंट जनाब मुस्तफ़ा मुगल साहब के एजाज़ में अशाइये का इनेकाद किया। आइन से पूछते हैं कि उनकी अब जो जिम्मेदारियाँ हैं वो किस तरह से अब वो हैंडल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले सरफराज मुगल साहब आपको मुबारक हो और आप ये बताएं कि मुगल साहब ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है एक तो उसके बारे में बताएं और दूसरा जो आज का अशाइया इस तकरीब का भी बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम का शुक्रिया और तमाम मीडिया का शुक्रिया और जो जिम्मेदारी गुलाम सुब मुगल साहब ने हमें दी है कि आपने उमुल क्वीन की यूनिट को मजबूत करना है, वहाँ से नए कारकुनों को शामिल करना है और ऐसे कारकुनों को शामिल करना है जो अपने पाकिस्तान में जाके कम अज़ कम अपने इलाके में वो काम कर सकें और जो स्पेशल जो ख़ास तौर पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हम उनसे ये पहले भी फाल थी, ऐसे नहीं था कि उसमें काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से उनको अहदेदारों को शामिल कर रहे हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह हम काफ़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल होने आपके के लिए साथ बहुत तादाद के साथ। ये इससे पहले भी मुल्क विन की जो है वो सदारतें दी जाती हैं और बहुत बड़ा गैप था, तो आपको
आज के 2020 के हिसाब से आप जिम्मेदारियाँ डिजिटल हैं, तो आप किस तरह से इसको परफॉर्म करने में क्या कामयाब होंगे? देखिए, हमारे पास ये 4 साल से होते थे और मैं जनरल सेक्रेटरी एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा था। हमारे जो सदर थे वो पिछले 4 साल से पाकिस्तान में थे, तो हमेशा ये सवाल उठता था कि वो आपके सदारत आपके सदर यहाँ पे नहीं है। अब जब कि हम हमने मुस्तफा मोगल साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है इसको यूनिट को दोबारा फाल करने के लिए, तो अब एतराज़ होता है कि जनाब उनको आपने क्यों हटा दिया है। तो बात यह है कि जब वो 4 साल से नहीं थे, इसलिए इस वजह से उनको सदर मुझे बना दिया गया। तो मेरे साथ एक मीडिया की टीम है माशाल्लाह, और हमारे साथ जमशेद बसरा साहब हैं, और इसके अलावा राणा अफजल साहब हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे खुरम साहब, वो इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से वो काम कर रहे हैं, मोहब्बत से जिम्मेदारियाँ भी करेंगे। हमारे साथ रैसल खैमा के सदर भी हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ये एनर्जी में लग रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओवरसीज़ की जो सियासत है उसको ये भरपूर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी राजा साकब साहब, आज के अशाइये के बारे में बताएँ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं खराज तहसीन पर पेश करता हूँ अपने भाई सरफराज मुगल साहब को। उन्होंने आज बहुत बेहतरीन और बहुत ही आला अंदाज में तकरीब का अहतमाम किया, और मैं तमाम नए आने वाले मस्जिद मेंबरान को खुश आमदीद कहता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ स्पेशली मुस्तफ़ा मुगल साहब को और मजीद मुगल साहब की काविशों का, जिनकी रात दिन की मेहनत से मुस्लिम लीग UAE में फहाल और भरपूर तरीके से काम कर रही है। फहाल और भरपूर तरीके से काम कर रही है, सोशल मीडिया को जो लीड करते हैं वो भी हमारे साथ है। और माशाल्लाह आप बताएं अब्दुलरहमान साहब की कैसा आपको ये लग रहा है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा जी प्रोग्राम, तो आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त रहा प्रोग्राम। और मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के बयान को स्टॉप करने की कोशिश की गई, किस हद तक कामयाब हो गए, बयान तो स्टॉप हो गया बट आई थिंक बयानिया उनका और ज़ोर पकड़ गया। जो बात मैडम मरियम नवाज ने रात को जलसे में कही, प्रैक्टिकली खान साहब ने वो साबित कर दी सुबह के टाइम, वही जो बात उनकी थी कि ये किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, और उन्होंने वाकई प्रैक्टिकली साबित किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बयानिया है, हमारे लीडर का बयानिया है, वो उसी को लेके आप चलेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, थैंक यू सो मच।